इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनौर के ऐसी शख्सियत के पास जिन्हें सपने में जानवर दिखाई दिए और एक प्रिंसिपल होने के बाद उन्होंने जानवरों से लगाव किया, उन्हें जानवर का प्रेमी कहा जाता है। तो सीधे बात करते हैं शाहनवाज भाई से। जी शाहनवाज भाई, आप किस समय में प्रधानाचार्य थे और किस समय में आपको जानवरों से लगाव हुआ? फैसल भाई, प्रधानाचार्य तो मैं 2018 से 2020 के बीच में रहा हूँ। लगभग 1.5 साल मैं प्रिंसिपलशिप पर रहा हूँ किरतपुर में मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल में। जी, और रही बात जानवरों की, तो जानवरों का सिलसिला ये रहा कि मुझे अब से लगभग 8-8.5 साल पहले से जो है जानवर ख्वाब में दिखाई दिया करते थे। घायल जानवर मुझे दिखते थे और मैं उनकी मरहम पट्टी कर रहा होता था। जी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें मैं किसी न किसी तरह जानवरों से जुड़ सकूं, उनकी मदद कर सकूं। लिहाजा मैंने अब आखिरी मौके पर आकर अपनी जो जॉब छोड़ी, तो वो इसीलिए छोड़ी कि मैं अब कुछ ऐसा काम करूंगा जहां मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह एक ताल्लुक़ जानवरों से जोड़ने का मौका मिल सके। तो अब फिर मैंने ये पेट शॉप स्टार्ट की है, पेट केयर शॉप। यहाँ पर जानवरों से रिलेटेड हमारे पास सभी मटेरियल्स होते हैं, उनके खाने की ज़रूरत की चीज़ें। उसके अलावा यहाँ जो मेरा मोटिव है, जो मेरा असल मकसद है जी, वो है जानवरों की खिदमत करना। उसके लिए हमने यहाँ एक मुहिम चलाई हुई है नवाज़ पेट शॉप के ज़रिए से, कि हम जानवरों की फ्री फर्स्ट एड करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी जानवर अगर ज़ख्मी है या बीमार है और उसे किसी तरह से उपचार नहीं मिल पाया, तो हमें 24 घंटे में किसी भी वक्त कोई फ़ोन करता है तो हम फ़ौरन उसके लिए हाजिर रहते हैं। बेहतर यह होता है कि वो हमारे पास ले आएँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ चीज़ें मुहैया हैं। मैं मास्टर्स मेरी साइंस में है और एनिमल फिजियोलॉजी में मेरी MSc है, इसलिए मुझे आसानी रहती है उनके जो है परेशानी को ऑब्ज़र्व करने में और उसका इलाज ढूंढने में। बाकी मैं यहाँ जो वेट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, यहाँ पर ACMO साहब बैठते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट में रहता हूँ। दवाइयों के लिए जो ज़रूरत पड़ती है मैं उनसे पूछ लेता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और फ्री फर्स्ट एड में हम पूरी तरह से पूरा इलाज, जहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक कि टांके वगैरह भी अगर लगाने पड़ जाएँ तो वो हम फ्री लगाते हैं बिल्कुल जानवरों को। जैसे आप एक प्रिंसिपल थे, उसकी आपने पढ़ाई की तो आप प्रिंसिपल बन गए। अब जैसे आप जानवरों के एक लगाव हुआ, उसके लिए सीखने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। कैसे सीखा और कैसे इनसे लगाव लगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ सीखनी पड़ती है, उसके लिए आपने क्या करा? बिल्कुल फैसल भाई, आप सही कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को एक महारत हासिल करने के लिए उसमें उसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेरी जो मास्टर्स है वो, जैसा मैंने अभी बताया, कि एनिमल फिजियोलॉजी में ही है, तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा है। BSc मेरी फ़िश एंड फिशरीज़ में यानी मछली में है और MSc मेरी जो है वो एनिमल फिजियोलॉजी में है, तो उससे मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि दवाइयों की बहुत सारी नॉलेज हमें अपने सिलेबस से, अपनी स्टडीज़ से मिली हुई है। फिर उसके बाद मैं साइंस का लेक्चरर रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी दवाइयों की जानकारी है। फिर मुझे कुछ शौक़ भी है, मैं जो जानवरों का ट्रीटमेंट करता हूँ वो ना सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन से, इंजेक्शन से, बल्कि एलोपैथिक मेडिसिन के मुकाबले मैं होम्योपैथिक मेडिसिन देना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट जो है वो उससे नहीं मिल पाता। अच्छा, जानवर किस तरीके के और किस तरीके से आपको कांटेक्ट किया जाए? जैसे सपोज करिए आप जिले में देख सकते हैं, क्योंकि जानवरों पर कम ध्यान दिया जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसको आप किस तरीके करते हैं? जैसे आपको कोई बुलाएगा तो आप जाएंगे या आपके पास लाया जाएगा, किस तरीके से और कितने हद तक आप उनका इलाज कर सकते हैं, किस पोजीशन तक कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं? देखिए, दोनों कंडीशंस हैं फैसल भाई जी। अगर मुनासिब है, हम पहुँच सकते हैं वक्त पे, तो हम चले भी जाते हैं कहीं से कॉल आती है तो, और उसके अलावा बेहतर हम यही समझते हैं कि हमारे पास ले आया जाए। अच्छा, क्योंकि मेडिकल डिग्री मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम जो जानवरों की सेवा कर रहे हैं वो एक निस्वार्थ भाव से उनकी खिदमत कर रहे हैं, ऊपर वाले को राज़ी करने के लिए। तो उस सिलसिले से किसी भी तरह की मेडिसिन, यानी कि मैंने आपको बताया कि टांके लगाने तक का जो सिलसिला है, यानी कि सर्जरी तक का मामला जो छोटे मोटे लेवल पे होता है, वो हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ज़्यादा अगर कोई मसला होता है तो फिर हम डॉक्टर्स से कंसल्ट करते हैं उसको पहले, कुछ वेट डॉक्टर्स से, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से भी कॉन्टेक्ट में रहते हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तो अपने खर्च पर सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, जहाँ जैसे डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं, बताते हैं कि इस तरह से इनका ट्रीटमेंट करना है, ये इंजेक्शन लगने हैं। अब मान लीजिए किसी के घर में जेंट्स नहीं हैं, लेडी हैं, उनके घर में कुत्ता है, वो ज़ख्मी हो गया, अब वो बेचारे चक्कर नहीं काट सकते, इंजेक्शंस का खर्च नहीं उठा सकते, तो हम उनके लिए क्या करते हैं,
कि अपनी जेब से थोक वाले जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ से ला करके रख लेते हैं और घर जा करके उनके लगा आते हैं, 2-4 दिन 10 दिन जो भी है, हम इसको समझते हैं कि हमने एक सदका किया है और ये सदका हमारे सामने हमारे फ़ायदे के तौर पे कहीं ना कहीं आएगा, भलाई का काम हम इसको समझते हैं। अच्छा देख, हमने ना देखा है कि हर इंसान कहीं ना कहीं फ़ायदे के लिए काम करता है। हम मैं खुद आपके आपसे सामान लेके गया हूँ, कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिला है, आप फ़ायदे पे कम ध्यान देते हैं, आपका यही मोटिव रहता है कि कहीं ना कहीं जानवरों को फ़ायदा रहे और पले। अब आप क्या क्या चीज़ें बेचते हैं और किन किन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस है, क्या चीज़ पालनी चाहिए क्या चीज़ नुकसान नहीं दें, क्योंकि देखिए हकीकत यह है कि कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो पालने भी नहीं चाहिए और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनसे लगाव रखना चाहिए, तो कौन से जानवर आपके पास अवेलेबल हैं और कौन से पालने चाहिए जो बच्चों को भी नुकसान ना दे। बिल्कुल फैसल भाई, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा जो है वो छेड़ा है। मेरी शॉप पर आपको कई जगह स्टिकर्स लगे हुए मिलेंगे जी, उनमें एक छोटी सी जानकारी है जो समझने वाले के लिए बहुत आसान है और पूरी जानकारी है जी। 1972 में एक एक्ट बना था, वाइल्ड लाइफ एक्ट जी, उसके अंतर्गत जितने भी भारतीय पशु पक्षी जो जंगल से रिलेट करते हैं, जंगली कहलाते हैं, जैसे हरा तोता हम आमतौर पर देखते हैं मिट्ठू मिट्ठू करके पाला जाता है, पहाड़ी तोता है और इस तरह के कई परिंदे हैं, जंगली जानवर हैं, इन सब का पालना मना है जी। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग यानी हम भारतीय संविधान के अनुसार इन सब का पालना जो जंगल से रिलेट करते हैं भारतीय पशु पक्षी मना है। फॉरेन स्पीसीज जैसे पर्शियन कैट है और ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं, अफ्रीकन बर्ड्स हैं, ये हमारे जो इकोसिस्टम है उससे रिलेट नहीं करते, ना इनके होने से हमारे यहाँ कोई फ़ायदा है ना होने से कोई नुकसान है, तो इनको पालने की परमिशन हमें कानून देता है। तो मैंने वहाँ शॉप पर ये जानकारियाँ भी कई जगह लगाई हुई हैं, स्टिकर्स बनवा के लगाए हुए हैं कि अंडर सेक्शन 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम इंडियन स्पीसीज को नहीं पाल सकते। आमतौर पर हम देखते हैं मिट्ठू लोग पाल रहे हैं और तोते उन्होंने पकड़ के घर में पिंजरों में कैद किए हुए हैं, तो ये गलत है। मैं इसकी भी जानकारी लोगों को देता हूँ, अवेयर करने की कोशिश भी करता हूँ, पिछले दिनों न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी ये जानकारी लोगों तक पहुँचाई गई थी और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने इशू किया हुआ है कि मुझसे जो भी जानकारी लेना चाहे वो इस बारे में जानकारी ले सकता है कि क्या जानवर पाल सकते हैं क्या नहीं पाल सकते, और जिस जानवर को आप पाल रहे हैं उसकी केयर क्या है, उसका खाना क्या है, उसका रहन सहन कैसा है, किस मौसम में वो खुश रहता है किस मौसम में परेशान रहता है। तो लास्ट सवाल ये है कि लोग आपको देख रहे हैं तो आप पहले अपना एड्रेस बता दीजिए, क्योंकि किस तरीके से वो आपसे जानकारी लेंगे किस तरीके से पूरा बता दीजिए। बिल्कुल, हमारी शॉप बुल्ला के चौराहे पर क्लासिक टेलर्स के जस्ट बराबर में सिचुएटेड है और किसी भी वक्त कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ज़रूरत में, जानवरों से रिलेटेड जो परेशानी तो है। मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर जो हमारी शॉप का है, लैंडलाइन है, लैंडलाइन पे थोड़ा सा कम हाथ लगता है क्योंकि वो वहाँ शॉप में रखा रहता है, मोबाइल मेरी जेब में रेगुलर रहता है, मैं उसके लिए फ़ौरन अटेंटिव रहता हूँ, व्हाट्सएप भी यूज़ करता हूँ उसी नंबर पर, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कॉलिंग भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 8869888654। तो आपने देखा, मैं शाहनवाज भाई से बात कर रहा था, कितने आसान शब्दों में उन्होंने पूरे जानवरों के बारे में बताया और हकीकत यह है कि ये जानवरों से बहुत लगाव करते हैं। बिजनौर खबर टीवी के लिए मैं फैसल खान, बिजनौर।